हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल अगेन। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं इसमें आपके लिए लेके आया हूँ जिम एसेंशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम। वैसे तो जिम में हर तरह की एसेसरी अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पर्सनल यूज़ में भी रखनी चाहिए। आज जो पेंडेमिक का टाइम है, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने पर्सनल यूज़ में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी जिम एसेंशियल के बारे में, जो डेफिनेटली अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको परचेज़ करना चाहोगे। तो आज की इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बारबल पैड। तो दोस्तों, देखने में तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत काम की है। दोस्तों, मैंने इसे डिकैथलन से परचेज़ किया था, और जब मैंने इसको यूज़ किया तो बहुत यूज़फुल आइटम है ये। सो दोस्तों, इस तरह की नॉर्मल पैकिंग में ये आता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कुछ इस तरह से ये साइड में निकल जाएगा, और ये है आपका बारबल पैड। ये कुशन जो है, ये आपके नेक पे आता है इस तरह से, और बारबल को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप अपनी बारबल को सेट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका ये है कि जब भी आप स्क्वाट लगाते हो तो जो नेक स्लिप होता है, कई बार रॉड रखे आपकी नेक में, वो स्लिप होने का जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस कर देता है, आपकी नेक में नेक को कम्फर्ट जोन में रखता है, और कोई भी इंजरी होने से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जब भी आप हिप थ्रस्ट करते हो तो आपको बहुत अनयूजुअल चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे जिम का मैट हो गया या योगा मैट हो गया, वैसी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो हिप थ्रस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी आइटम है। बारबेल को यहाँ से अटैच करके आप इसको इस पोर्शन पर रख सकते हो, तो ये आपको हिप थ्रस्ट में भी हेल्प करने वाला, आपके लंजेस में भी आपको हेल्प करने वाला है, आपको नेक को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत कमाल की है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 499 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 500 के करीब आपको डिकैथलन से मिल जाएगा, और भी बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इसको अपनी पर्सनल एसेसरीज़ में, जिम एसेंशियल में आप ऐड कर सकते हो। बहुत ही बड़ा साइज़ नहीं है, छोटा सा साइज़ है, आपके बैग में ईजीली फिट हो जाएगा। वेट में दोस्तों बहुत ही हल्का है ये। अगर मैं इसके कुशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 इंच का कुशन जो है, इसमें पैड जो है वो मिल जाता है। मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिकैथलन के मैक्सिमम प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसी तरह से इसमें भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। डेफिनेटली अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपके नेक को सपोर्ट करने वाला है। आपको जो बारबल इंजरीज हो सकती हैं, चाहे वो स्लिप होने की वजह से हो, चाहे वो कई बार चुभना शुरू हो जाता है उसकी वजह से हो, तो वो होने के जो चांसेस हैं ये रिड्यूस करेगा। सो दोस्तों, इसकी कुशनिंग क्वालिटी की वजह से और नेक सपोर्ट की वजह से ये मेरा जिम एसेसरीज में बन चुका है फेवरेट आइटम। और अगर आप इसे करना चाहते हो परचेज, तो अगर आपको डिकैथलन का ही प्रोडक्ट चाहिए, आप स्टोर में जाके या फिर ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ अमेज़ॉन में बहुत सारी अदर कंपनी के भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उनकी क्वालिटी को देख सकते हो, उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था बारबेल पैड के बारे में। इसके बेनिफिट्स और कितना इसका प्राइसिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अतुल धल। और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ टॉपिक मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।